नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये खास पेशकश बजट पर केंद्रित है और इसका नाम है बजट पर भरोसा। भूपेश है तो भरोसा के नारे के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर चुके हैं। अब उनके कार्यकाल का 5वां बजट सोमवार को पेश होने जा रहा है। ऐसे में भूपेश के भरोसे का बजट कैसा होगा, इस पर आज हम छत्तीसगढ़ की जनता की राय जानेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बजट पर जनता को कितना भरोसा है और मुख्यमंत्री उस भरोसे को इतना पूरा कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी खास पेशकश बजट पर भरोसा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करने वाला बजट पेश करने जा रहे हैं और यही वजह है कि इस बजट से आशाएं अपेक्षाएं काफी ज्यादा हैं। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था और छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन किया है, इसका एक जो रूप है वो सामने आया। बात चाहे विकास दर की हो या कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में बढ़ोतरी की, छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय औसत से सबको पीछे छोड़कर अपने आप को बेहतर साबित किया है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट काफी हद तक प्रदेश के विकास को दर्शाती है, हालांकि इसको लेकर पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी अलग अलग राय है। बहुत सारी जो योजना है उसका क्रियान्वयन और जो उसका रिजल्ट रहता है, इस भारत सरकार और राज्य सरकार का अपना तुलनात्मक रहता है और उसमें जब तुलनात्मक देखेंगे तो हर क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत हुआ है और उसको आप देखेंगे तो जिस प्रकार से उसमें भारत सरकार से तुलना की गई है और तुलना करके ये ग्रोथ बढ़ाने का जो दिया गया है कि ग्रोथ छत्तीसगढ़ का उससे ज्यादा है, तो ये तमाम जो आंकड़े हैं कुल मिलाकर के आप प्रति व्यक्ति में देखेंगे तो मैं कहता हूं आज भी भारत का बेहतर है। ये तो रही आर्थिक सर्वेक्षण की बात, अब बजट पर कब पेश होने वाला है इस पर भी बात करेंगे। तो बजट कल पेश होगा और इसके स्वरूप को लेकर मुख्यमंत्री ने काफी कुछ संकेतों में बता दिया है। छत्तीसगढ़ का यह बजट जनता के भरोसे को पूरा करने वाला बजट होगा। मुख्यमंत्री ने आज अपने प्रदेश के नाम संदेश में प्रदेश की तरक्की, किसान और शहरी विकास के साथ छत्तीसगढ़ के पर्यटन, संस्कृति को बढ़ावा देने जैसी बातों को बजट में शामिल करने की बात कही है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आपको भी सुनाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल 6 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2023 का बजट पेश होने जा रहा है। साथियों, यह बजट छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट है। यह उस भरोसे का बजट है जिसने छत्तीसगढ़ को नवा छत्तीसगढ़ बनाने का संबल दिया। यह वही भरोसा है जो आपने हमारे घोषणा पत्र पर, हमारी कार्यशैली पर और हमारी सरकार की जन कल्याणकारी सोच पर जताया है। हमने सरकार बनते ही बापू के ग्राम स्वराज के संकल्प और न्याय की नीति को आकार देना शुरू कर दिया था। इस दौरान बीते वर्षों में आई चुनौतियों से आप सब परिचित हैं, चाहे वह कोरोना जैसी वैश्विक आपदा की चुनौती हो या अन्य चुनौतियां जिन्हें आप सब समझते हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए गर्व है कि इन सभी चुनौतियों को चीरते हुए हम बाहर निकले हैं और इस समय सबसे अच्छे आर्थिक प्रबंधन वाले प्रदेशों में से एक हैं। यह आपके ही भरोसे का परिणाम है कि देश भर में मंदी होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के बाजारों में रौनक है। सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। देश भर में धान खरीदी के रिकॉर्ड भी छत्तीसगढ़ ने तोड़ा है। आदिवासियों के लिए नई योजना पहुंची है। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा का छत्तीसगढ़ मॉडल देश की सरकारें अपना रही है। आज मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के नाम से लोगों को सिर्फ नक्सली हिंसा याद आती थी। जरा सोचिए, पर्यटकों के दिमाग में प्रश्न चिन्ह क्यों आते थे? आज समय बदला है। छत्तीसगढ़ में रोड सेफ्टी जैसे 2 बड़े सीजन क्रिकेट मैच हो चुके हैं। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच ने हम सबका गौरव बढ़ाया। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग भी अभी हाल में ही संपन्न हुआ। अचानक से इतना कुछ बदल गया है कि देश के लोग छत्तीसगढ़ आने को उत्सुक हैं। आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में लगातार बॉलीवुड कलाकार फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए आ रहे हैं। पर्यटकों की संख्या में शानदार वृद्धि हुई है। यह सब जन भागीदारी से ही संभव हो सका है। हमारा राज्य अब देश को रास्ता दिखा रहा है, लोगों का नजरिया बदला है। साथियों, अब कल मैं जो छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं,
वह हमारे प्रदेश के सपनों को नई हकीकत देने वाला बजट होगा, जो आसमान में नहीं जमीन पर बात करेगा। इस अवसर पर मैं आप सबको भरोसा बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही यह जिम्मेदारी भी आप सबके कंधों पर रखना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को नकारात्मकता से भर देने वालों को पहचानिए और नवा छत्तीसगढ़ की इस यात्रा को सब लोग मिलकर रफ्तार दीजिए। बजट पर छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग भरोसा लगाए बैठे हैं, लेकिन बजट को लेकर जहां सरकार के अपने दावे हैं तो वहीं विपक्ष इस बजट को अपने नजरिए से देख रहा है और बजट के पहले बजट पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है पक्ष विपक्ष का। सबसे पहली बात यह है कि ये आंकड़े आए कहां से? छत्तीसगढ़ में 11 लाख से अधिक आवास के आवंटन हुए हैं, तो वो 2011 के जनगणना के आधार पर, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पर। 12 साल हो गया आपने जनगणना कराया ही नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण कराया नहीं। इन 12 सालों में जो हितग्राही हैं वो वंचित हो जाते हैं। हम लोग भी जाते हैं जनप्रतिनिधि के नाते, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं तो बोलते हैं हमको लाभ नहीं मिल रहा है, उसको लाभ मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ग वंचित हो गया है बड़ी संख्या में, और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जनगणना तत्काल कराई जाए ताकि जो जो हितग्राही हैं उसके चिन्हांकन किया जा सके और उसके आने वाले 10 साल तक के उन योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन अभी तक के उसका कोई जवाब नहीं आया है। कल मैंने विधानसभा में इसी बात की घोषणा की कि जो जो जिनको आवास की आवश्यकता है उसके हम सर्वे करेंगे। 1 अप्रैल से हमारा सर्वे शुरू होगा, वो 30 जून तक ही चलेगा, जिसमें न केवल आवास की बल्कि जो शौचालय बने हैं उसका भी, और जो गैस सिलेंडर जिसको आवंटित हुआ है कितने बार वो पुनर्भरण कराते हैं उसके बारे में भी जानकारी, तो ये सारी जानकारी एकत्रित की जाएगी। और 30 जून के बाद क्रमबद्ध ढंग से जो हितग्राही हैं वास्तविक में उसे आवास की आवश्यकता है उन सबको फिर लगातार हम लोग आवास उपलब्ध कराएंगे। के छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे में हम लोग खड़े उतरे हैं, ये बजट भी भरोसे का ही बजट रहेगा। बैठकें आदि होती है, गहोई समाज के सामाजिक भवन का लोकार्पण, और उसके बाद आज बिलासपुर में यादव समाज के प्रांतीय अधिवेशन में भी शामिल होने में वहाँ जा रहा हूँ, जिसमें प्रदेश के तो नेता आएंगे ही, राष्ट्रीय स्तर पर भी यादव समाज के बड़े पदाधिकारी है और राजनेता आ रहे हैं, उसमें भी शामिल होगा। नया तो नहीं हो रहा है क्योंकि पिछले समय चुनाव लड़े थे, सब जगह जमाने थे जब तो हुई थी, तो अब उसके बारे में नया नहीं कह सकते आप, तो पहले भी हाथ आजमा चुके हैं। पूरा करेगी देखिए, जो भूपेश बघेल की सरकार ने 4 वर्ष तक छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा तोड़ा है और जो घोषणा पत्र में जो वादे थे उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया, 5वें वर्ष में चला चली की बेला में ये कब बजट प्रस्तुत करेंगे और कब उसका इम्प्लीमेंट होगा, क्रियान्वयन होगा, इस बात को समझा जा सकता है। ये अंतिम बजट है, चुनावी वर्ष है, ये सब कुछ उसमें डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनको मालूम है कि 6 महीने में काम नहीं हो पाना है, सरकार रहेगी नहीं रहेगी ये स्थिति है। इसलिए जितना भी इनका बजट आने वाला है, जो हमको सूचनाएं हैं, ये केवल लोक लुभावन जिस तरीके से घोषणा पत्र था और लोगों को भ्रम पैदा करने का विषय है। पीएम आवास के लिए हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 4 वर्ष तक आपने पैसा नहीं दिया, अब एक नई योजना की बात कर रहे हैं, कब नई योजना लेकर आएंगे, कब उसका पैसा आएगा, कब काम होगा, जरा भूपेश बघेल बता दें कि कब काम करेंगे उस बजट के अंदर में। तो मुझे लगता है कि केवल छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाने वाला बजट ये भूपेश बघेल का बजट होगा। ये कितने भी भरोसे की बात करें, 4.5 साल में इस सरकार ने भरोसा समाप्त कर दिया है। 36 वादे किए थे, 6 वादे पूरे नहीं कर पाए। बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए का 10 लाख नौजवानों को देना था, 4.5 साल का भत्ता भी इनको देना होगा। इनको प्रॉपर्टी टैक्स आधा करना पड़ेगा, निराश्रित की पेंशन बढ़ानी होगी जो इन्होंने वादा किया था, और इन्होंने वादा किया था स्वयं सहायता समूह के कर्जे माफी की, वो भी इनको पूरा करना होगा। शराबबंदी लागू करने की बात इन्होंने की थी, वो भी करना होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से। छत्तीसगढ़ में पेश होने वाला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये 5वां बजट है। चुनावी साल में पेश होने वाले बजट से जनता को कई आशाएं और अपेक्षाएं हैं,
ऐसे में अलग अलग वर्ग बजट को लेकर क्या कुछ सोचता है, बजट से उनकी क्या आशाएं हैं और इस बजट पर उनको कितना भरोसा है, इस संबंध में हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत की। सबसे पहले रुख करते हैं राजधानी रायपुर का और सुनते हैं कि बजट को लेकर रायपुर वासियों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, एक महिला क्या सोचती है बजट को लेकर, क्या उम्मीद करती है? सर, हर महिला की एक ख्वाहिश रहती है कि उसका घर अच्छे से चले और हर नेता सबसे ये उम्मीद है कि हमारा बजट के अनुसार ही उनका बजट पेश हो सके। जी, महंगाई को लेकर आप कैसे देखते हैं मैम, जो घर के जो उपयोगी चीजें हैं वो काफी महंगी हो रही हैं, बजट से क्या उम्मीद लग रहा है? बजट से यही उम्मीद है सर कि कम से कम हर मतलब गरीब परिस्थिति को देखकर उम्मीद है कि क्या कहते हैं राशन पानी का वो किया जाए कम। चीज देश की महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो लगातार सिलेंडर गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं? सर, अब हर चीज़ की महंगाई बढ़ते जा रही है, इसमें हम गरीबों का ही कमर टूट रहा है बोल दीजिए, तो हर नेता से यही अपेक्षा की जाती है कि कम से कम हम गरीबों को देखकर अब हर चीज़ को नॉर्मल करें ताकि हर सबका परिवार अच्छे से चल सके, क्योंकि कोरोना के कारण हर परिवार अभी गिरा हुआ है बोलो, है ना, और आर्थिक रूप से पूरा कमजोर है। यही उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से मतलब बजट पेश किया जाए ताकि सब आम पब्लिक अच्छे से चल सके। कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है, प्रदेश का युवा क्या उम्मीदें करता है बजट से? प्रदेश के युवा तो सबसे पहले अपने रोजगार की बात करता है, उनको मतलब अपने रोजगार के लिए चिंतित हैं सारे युवा और वो चाहते हैं कि सरकार उनके लिए प्रयास करे, जल्दी से जल्दी जो आरक्षण वाला मुद्दा है वो क्लियर हो और जितनी भर्तियां रुकी हुई हैं लगभग 6 महीने से कोई परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, जो इंटरव्यू पेंडिंग है PSC के चाहे व्यापम की जो परीक्षाएं हैं वो जल्दी से जल्दी क्लियर हों, जितनी भर्तियां और सरकार घोषणा करती जा रही है लेकिन कोई रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है, कि जो सरकार 2 साल पहले कोरोना का हवाला दे के 70-80-90% का सैलरी देने का स्टाइपेंड देने का प्रावधान की थी उसको अब हटाने का समय आ गया है, सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए और अपने जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनसे रिपोर्ट मंगा के जैसे भी इसको हटाने का प्रयास जल्दी से जल्दी करना चाहिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करूंगा या हम व्यापारियों की जो एक डिमांड है कि वर्तमान में जो मार्केट जो है स्मार्ट बाजार के लिए उन्होंने जो घोषणा की है और जिसमें रायपुर में जो वो नगर निगम ने जो उस पर कार्य शुरू कर दिया है, यह कार्य पूरे प्रदेश में बढ़ाया जाए जिससे कि छत्तीसगढ़ वासियों का व्यापार काफी बढ़ जाएगा, उसमें बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, यूरिनल की व्यवस्था हर तरीके से एक व्यवस्थित होना चाहिए। आप कहीं भी जाएं तो बिजली की वायरें बहुत लटकी रहती है जिससे कहीं भी स्पार्किंग होने का खतरा बना हुआ रहता है, कहीं भी एक छोटी सी घटना होती है और मार्केट में आग लग जाती है जिससे काफी रकम जो है सबकी खराब हो जाती है और व्यापारियों को नुकसान होता है। युवा वर्ग के लिए तो नौकरी अभी नया और नई नौकरी लाना चाहिए भूपेश सरकार को, और शिक्षा में थोड़ा अच्छा था और जैसे सर अभी इंग्लिश मीडियम अभी स्कूल चालू हुआ है उसमें कॉलेज भी चालू करना चाहिए सरकारी इंग्लिश मीडियम, यही आशा है भूपेश सरकार से। अभी उम्मीदें तो है बहुत सारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ की बजट लोगों के लिए मतलब सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करे, सबसे पहले मेडिकल में जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट करना चाह रहा है हम चाह रहे हैं कि बजट में उसका प्रावधान और बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य शिक्षा में तो कर ही रही गवर्नमेंट बट स्वास्थ्य में और ज्यादा करे। कर्मचारी जगत को भी जैसे कि ये अंतिम बजट सत्र है भूपेश सरकार का, तो कर्मचारियों को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भूपेश सरकार कुछ ना कुछ देके जाएगा, खासकर दैनिक वेतनभोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जितने भी हैं इनसे यही उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो आज हड़ताल चल रहा है तो उनकी यही मांगे हैं और आशा यही कर रहे हैं कि हो सकता है सोमवार को भूपेश सरकार कुछ ना कुछ दैनिक वेतनभोगी के बारे में करेंगे। साथ ही साथ जो हम लोग शासकीय कर्मचारी हैं उनको भी इन्होंने अपना घोषणा पत्र में जो जारी किया गया था उन्हें भी हमें भी यही उम्मीद है कि वो घोषणा पत्र के साथ साथ अभी बजट सत्र में हम लोग का भी मांग कुछ ना कुछ पूरा करने की उम्मीद है। अब जनता को स्पेशली GST पे ये चाहिए, जैसे मैं स्पेशली बैटरी का व्यापारी हूँ, बैटरी पे हमारी 28% GST है, तो इस तरह से GST कुछ कम करे। देखिए बहुत से युवा जो है अभी कई अपनी योग्यताओं को पूर्ण करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं, बजट में उनके जॉब ऑफ के लिए वैकेंसी प्रावधान कुछ रखना चाहिए, जैसे कि मेरे कई सहपाठी दोस्त हैं जो BEd DEd कर चुके हैं, उनकी योग्यता है परंतु शैक्षणिक मतलब वैकेंसियां नहीं निकल रही है जिसके कारण वो बेरोजगार घूम रहे हैं, बजट में इसके लिए भी कुछ प्रावधान रखना चाहिए। कई युवा की बात करें तो आजकल ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ के निकल रहे हैं और उस हिसाब से नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, और इसको देखते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो लागू किया जाए जल्द से जल्द और जो युवाओं के लिए नौकरी के अवसर जो हैं आए। प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं मैं तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी।
राजधानी वासियों के बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आपने देखी, लेकिन इस बार के बजट में महिलाओं को क्या मिलेगा, इस पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बार का बजट महिलाओं को ध्यान में रखकर उनकी उम्मीदों को पूरा करने वाला होगा। आइए सुनते हैं राजधानी की महिलाएं बजट को लेकर क्या उम्मीद रखती हैं। बजट 6 मार्च को पेश होना है। हम महिलाएं चाहेंगे कि हमारे घर के जो राशन वो है वो सब में जितना अभी काफी महंगाई बढ़ गई है उसको कम किया जाए और हमारे सौंदर्य के ऊपर भी ध्यान दिया जाए क्योंकि हमारे सौंदर्य की सामग्री इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है कि हम उसको वो नहीं कर पा रहे हैं, और कॉस्मेटिक सामानों की। और गरीब परिवार के लिए कम से कम बहुत अच्छा बजट आए ताकि उनका जो घर का वो है वो बिगड़े मत, घर का जो बजट है वो बिगड़े मत। और बजट के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले महिलाओं का कार्यक्रम तो होता है कि घर में घर की सुविधाएं चाहिए, साड़ी कपड़े और मकान, इससे रोटी कपड़ा और मकान, साड़ी कपड़ा और मकान, इससे बढ़ के क्या। तो बजट में इनकी सुविधाएं देनी चाहिए, ये सबसे अच्छा आना चाहिए। इसका रूप बदलना चाहिए थोड़ा सा बजट का। सरकार हमारे महिलाओं के गृहिणियों के ऊपर में जितना वो हमारा खाने में, हमारा पहनने में, हमारा श्रृंगार करने में जितनी हेल्प हो उतना हम लोग उम्मीद करके चल रहे हैं। मेडिकल में ऐसा लूटमार हो रखा है ना कि बस वेंटिलेटर में बैठा देते हैं और उसके बाद सीधा एक्सपायर डेड बॉडी हाथ में दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। शिक्षा का जैसे आत्मानंद स्कूल वगैरह खोल के उन्होंने काफी प्रयास किया शिक्षा के लिए, तो मैं चाहती हूँ नए बजट में वो कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होते हैं जो ग्रामीण बच्चे हैं बाकी सब नहीं कर पाते, कंडक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोचिंग्स की फीस बहुत ज्यादा होती है, तो इस टाइप की कोचिंग्स खोले जहाँ पे सब बच्चे पढ़ सके, कोचिंग से सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो सबको बराबर अवसर मिले सरकारी नौकरी का। यातायात में जो गाड़ियों के लिए ईंधन लगता है उसके भी फ्यूल प्राइसेस बहुत हाइक हो रहे हैं, और कहीं भी कुछ भी करें जैसे हम रेस्टोरेंट जाएं तो वहां पे जो टैक्सेस रहते हैं, या कहीं घूमने जाएं तो वहां पे जो टैक्सेस रहते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम जो इन्होंने कहा कि घर के अंदर और घर के बाहर भी अगर जाना हो तो हर जगह महंगाई बढ़ी हुई है, तो ईंधन के दरों में भी अगर किसी तरह से थोड़ी कमी हो सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये बजट को लेके ये कहना है कि सबसे पहले तो मतलब आजकल की जो गवर्नमेंट है वो गरीबों के लिए भी सोचती है और सब टैक्स वैक्स लगाती है वो सब ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं सोचा जाता। सबसे ज्यादा उनको मिडिल क्लास वाले लोग क्या बीच में फंस जाते हैं ना, वो लो सोसाइटी जैसे सब चीज की डिमांड कर सकते हैं और ना ही हाई सोसाइटी की जैसे जीवन यापन कर सकते हैं, उनसे सिर्फ टैक्स वसूला जाता है लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं दी जाती, और व्यापारी वर्ग को तो खास करके मतलब उनको कुछ भी सुविधा नहीं जाती, बस जहाँ टैक्स देना है वहाँ पे मतलब व्यापारी लोगों को बस। सर मेरा एक ये सवाल है सरकार से कि अल्कोहल जो सुबह से लेके चालू हो जाता है, खास करके जेंट्स लोग जो सुबह से लेके वो ठर्रा लेके बैठ जाते हैं घरों में, उनकी लेडीज लोग जो बाहर जाके काम करती है, बच्चे भी संभालती है, खाना भी बनाती है, पूरे खाने का राशन का व्यवस्था करती है, वो नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार को मेरी एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि ये बंद होके लेडीज लोग को बल्कि बोलना चाहिए आप रेस्ट करिए, कोई आगे और उद्योग चालू करे अपने घर में, लेकिन जेंट्स लोग को बाहर निकाले ताकि वो काम पे जाए तो लेडीज लोग को थोड़ा आराम मिले। चुनाव करवाते हैं, हर जगह चुनाव होता है लेकिन वो अपने दम पे क्योंकि क्या है गरीबों को वो जो दारू बटा देते हैं, कपड़ा बटा देते हैं, उस पे वो जीत लेते हैं, उसके बाद फिर वो कर देते, वो दारू बटवाना बंद करें। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी अलग अलग योजनाओं से सभी वर्ग को अब संतुष्ट करते रहे हैं, लेकिन इस बार का बजट खास है इसलिए हर वर्ग की अपनी अपनी अलग आस है। खास तौर पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन प्रदर्शन करने वाला वर्ग भी बजट पर उम्मीदें टिकाए बैठा है। धरना प्रदर्शन कर रही अनुकंपा नियुक्ति संगठन से जुड़ी महिलाओं से बजट की उम्मीदों को लेकर हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। शैलेंद्र ने क्या कुछ उनसे पूछा और इस पर क्या मिला जवाब, आपको सुनाते हैं। जी, अभी हम हैं बूढ़ा तालाब स्थित धरना प्रदर्शन वाले स्थल पे, और यहाँ जो है शिक्षक कर्मी अनुकंपा नियुक्ति के लिए लोग जो है लगातार 3-4 महीने से जो है धरने पर बैठे हैं, और क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं कि 6 मार्च को जो है बजट पेश होने वाला है, सरकार जो है बजट पेश करने वाली है राज्य सरकार, तो उस पर क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी, ये हम उनके बीच जाते हैं और बातचीत करते हैं। जैसे कि अभी 6 मार्च को जो है भूपेश सरकार अपना बजट पेश करने वाली है, तो उस पर क्या कुछ उम्मीदें हैं कि क्या पिटारा आप लोगों के लिए खुल सकता है?
उम्मीदें बहुत है और अनूप नांगे जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया उस दिन डिबेट में, हाथ पकड़ के बोले कि बहन आप लोग ऐसा कोई काम मत करना, क्योंकि मैंने ये चेतावनी दी थी कि सर अगर हमारा 6 तारीख के बजट में अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण नहीं हुआ तो अभी तो एक सदस्य शांति साहू ने मुंडन कराया है, नहीं तो अगर हम सब महिलाएं मुंडन कराने के लिए बाध्य होगी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों का 6 तारीख के बजट में अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण होगा। तो यही विश्वास और आशा के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और 140वां दिन है जो यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रही है विधवा महिलाएं, दिन रात बैठी है, भीख मांग के खा रही है, यहाँ तक कि इतने परेशानी आ रही है कि हम लोगों को यहाँ पर शौचालय में भी पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ बूढ़ा तालाब का पानी लाके हम लोग अपना काम कर रहे हैं, नहाने धोने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से स्थिति नहीं आना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं और हमारा मामला भी संवेदनशील है और हम भी छत्तीसगढ़ की बहू बेटी है, तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए। और यही आशा के साथ कल हम देख रहे हैं कि हमारा बजट में तत्काल हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन भी करती हूँ कि कल हमारा आप बजट में पेश करके प्रस्ताव पारित करें और हमको। और अब रुक करते हैं धमतरी जिले की ओर, जहां बजट पर जिले को कितना भरोसा है ये जाना हमारे सहयोगी डोमन साहू ने। आइए देखते हैं कि लोगों को बजट से क्या कुछ उम्मीदें धमतरी में हैं। धमतरी के लिए जो भी क्षेत्र को चाहिए, जो मौलिक आवश्यकता होती है वो सारी चीज चाहिए, क्योंकि पिछले रमन सिंह की गवर्नमेंट में इसको अनदेखा कर दिया गया था और उसी परंपरा को अभी तक के भूपेश बघेल की सरकार रख। आज आप कोई भी किसी भी रोड पे चले जाओ आपको क्लियर कट मालूम पड़ जाएगा ये धमतरी विधानसभा है। धमतरी विधानसभा के जैसी आगे अपन रेखा पार करते हैं विकास ही विकास दिखता है, हर चीज में धमतरी पे उपेक्षा की गई है। अब की सरकार पूर्ववर्ती सरकार दोनों भी, मतलब ये भी नहीं कि कहते हैं उन्होंने कोई अच्छा किया और ये आगे नहीं कर पा रहे, दोनों समान रूप से एक ही आचरण रहा है। और यहाँ के जो मार्गों की हालत इतनी खराब है और जो पुरानी मांग थी जो धमतरी के लिए कि पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपग्रेड करके इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। मेडिकल जो जिला चिकित्सालय है उसके लिए एक बड़ा वो भूखंड वो करके मेडिकल कॉलेज और वहाँ जो मरीजों की संख्या बढ़ सके ऐसे बिस्तरों की व्यवस्था जो करनी चाहिए वो भी अभी भी किसी भी सरकार ने नहीं किया है। वर्तमान सत्र में जो छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा जो बजट पेश किया जाने वाला है उसमें मेरी उम्मीद ये है कि सरकार को जन सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, साथ ही उनकी आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए जहाँ तक हो सके जीवन उपयोगी सामग्रियों में सामान्यतः कमी लानी चाहिए और भविष्य की जो भी योजनाएं बने जन उपयोगी होनी चाहिए, ये उम्मीद शासन से है और महंगाई को कंट्रोल करने की प्रयास शासन द्वारा करना चाहिए। ये कहूँगा कि यहाँ बहुत अभी बाईपास का तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर देना चाहिए इसके लिए, और यहाँ के युवा लोगों के लिए भी जो है ना रोजगार होने चाहिए। और हमारा ये कहना है धमतरी में रोडें बहुत खराब है, आप वहाँ से निकल जाइए पूरे वो आखिरी तक आपको गड्ढा ही गड्ढा दिख रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कम से कम बहुत अच्छा पहल होना चाहिए, एक्सीडेंट होती है बहुत, इसे रुकावट के लिए बजट में कुछ यहाँ के लिए लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ का जो बजट आ रहा है उससे हमेशा धमतरी को बहुत अपेक्षाएं रहती है, पर एक चीज़ देखा गया कि हमेशा निराशा ही हाथ लगती है धमतरी को। पिछले कई साल हो गए, दसों साल हो गए हम देख रहे हैं, बस स्टैंड के लिए भी हमेशा बोलते हैं कि बजट में पास हो गया, चाहे गोकुल धाम हो, ड्रेनेज के लिए बजट पास हो गया, चाहे और भी अन्य जो रुके हुए काम हैं, हर साल बजट में नेताओं द्वारा और मंत्रियों द्वारा ये कहा जाता है कि ये दिया गया वो दिया गया, पर आज तक धमतरी में निर्माण कार्य के रूप में कोई भी काम नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ के भी जो पार्षद हैं, जो हमारे नगम में बैठे जो भी दल हैं, वो भी पूरी तरह से निष्क्रिय हैं और वो भी मुझे लगता है नहीं चाहते कि धमतरी में कुछ हो। मांग है धमतरी की जनता की कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज की और कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम आशा करते हैं धमतरी की जनता कि इस बार के बजट में कम से कम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम ये दो मांगे जो इतनी बहुप्रतीक्षित है इसको पूरी की जाए।
साथ ही साथ बजट में और भी सारी चीजें हैं धमतरी की सड़कों का, लाइट व्यवस्था का, और साथ में ट्रांसपोर्ट नगर की भी बहुत सालों से मांग होते आ रही है। और एक और चीज मैं जो कहना चाहूँगा, शहर में जिस तरीके से सकरे रोड के बावजूद यहाँ मवेशी घूमते रहते हैं, एक बार शासन से गोकुल नगर की भी उम्मीद की जा सकती है, और साथ ही साथ यहाँ की डेयरी वालों को और साथ में जो आवारा मवेशी रोड में घूमते रहते हैं, इन लोग एक साथ किसी गोकुल नगर में इनको व्यवस्थापन किया जाए तो इससे धमतरी को बहुत लाभ होगा। ये जो बजट आ रहा है इससे किसानों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी जो किसानी कर रहे हैं आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा होते जा रहा है, जैसे खाद है, रासायनिक जो दवाइयां लेते हैं, और डीजल पेट्रोल का जैसे बढ़ गया है, वाहन जो है ट्रैक्टर मकाई का हो गया, ऐसे एक मिंजाई का लो ले लो, तो सरकार से यही उम्मीद है कि जो समर्थन मूल्य है उसको 3000 तक करें और दोनों फसल में ही लें, क्योंकि किसान को आय कम हो रहा है तो ताकि आय में वृद्धि हो। और अब रुक करते हैं दुर्ग की ओर, जिसे छत्तीसगढ़ के एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है। दुर्ग के लोगों का क्या कहना है बजट को लेकर, हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी ने उनसे बातचीत की। जी, अपेक्षा तो ये है सर कि गाय के लिए कुछ आए नियम, और बजट भी उसमें कुछ गाय के लिए भी आए, लेकिन गाय के लिए कुछ नहीं होता है यार। गौठान खुला है, बस गाय का कुछ देख रेख कुछ नहीं हो रहा है, और जो एक्सीडेंट हो रहा है वो भी ना हो, उससे मतलब एक्सीडेंट भी बचेगा। तो मैं उस बजट में मैं ये चाहता हूँ कि सभी खेल को महत्व देना चाहिए, लट्टू भौरा ये गेड़ी चढ़ने से कुछ नहीं होगा। राज्य सरकार अगर खेल महत्व को ज्यादा दिया जाए तो हमारे राज्य और अंतर्राष्ट्रीय में हमारा नाम होगा। और किसी के क्षेत्र में तकनीकी बहुत बढ़ चुकी है, और मैं चाहता हूँ कि हर किसान वर्ग को लाभ मिले। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भी कई किसानों को लाभ मिले। देखिए, प्रदेश में जो बेरोजगारी का आलम है, तो प्रदेश सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, उस बेरोजगारी भत्ते के विषय में कुछ प्रस्ताव रखना चाहिए। और प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था भी लचर है, चिकित्सा क्षेत्र में भी कुछ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अब तक की महत्वपूर्ण योजना ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित रही है, ऐसे में इस बार के बजट में क्या ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा दूसरे सेक्टर पर भी मुख्यमंत्री जोर देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बजट को लेकर क्या सोचते हैं, इस संबंध में जान लेते हैं मरवाही जिले का हाल, जहां हमारे सहयोगी संतोष नामदेव ने आम लोगों से बातचीत की। भैया, छत्तीसगढ़ का बजट कल पेश होने वाला है, कैसा रहना चाहिए आपके हिसाब से बजट? छत्तीसगढ़ का बजट 2018 चुनाव में इन्होंने 36 वादे करके 69 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाई। मेरा यही कहना है कि जो गरीबों का हक सरकार ने अभी तक दबा के रखा है, बेरोजगार युवाओं का हक दबा के रखा है पिछले 4 साल से, इस चीज़ को वो पूरा करें। बेरोजगारों को 2500 रुपये महीने का भत्ता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी वैकेंसी खुले ताकि बेरोजगारी कम हो। ये सदन में कुछ बोलते हैं और बाहर पोस्टर लगवाते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0% है। छत्तीसगढ़ का बजट कुछ विकास कार्य होना चाहिए, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से हमारे नगर में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी बड़े विकास के काम नहीं हो रहे हैं, उसके लिए कुछ मद आना चाहिए। अपने क्षेत्र में पर्यटन की बहुत कमी है, उसके लिए कुछ एकाध स्थल ऐसे बनने चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे हैं परिवार सहित वहाँ पे भ्रमण कर सके, अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सके। भैया, छत्तीसगढ़ का बजट आने वाला है, आप एक व्यापारी हैं, कैसा रहना चाहिए बजट? छत्तीसगढ़ का बजट, भाई भूपेश सरकार जो है आगामी पिछले 4 साल का बजट पेश कर चुकी है, 5वां बजट पेश कर रही है, और हम देखते आ रहे हैं हमेशा की तरह सरकार का बजट बहुत ही अच्छा आएगा। भैया, छत्तीसगढ़ का बजट आने वाला है, कैसा रहना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से तो ऐसा रहना चाहिए कि आम लोगों के लिए, उनके लिए फायदेमंद हो, और ऐसा बजट हो कि सभी के लिए अच्छा रहे, और ये जो 2023 है उन सबके लिए अच्छा रहे ये बजट। आप एक व्यापारी हैं और मेडिकल स्टोर चलाते हैं, आपके इस फील्ड के हिसाब से किस चीज़ों में राहत होना चाहिए? जैसे डायबिटीज़ की मेडिसिनें हैं, अदर्स और भी मेडिसिनें आती हैं जो कुछ लोगों के लिए सही नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा रेट रहते हैं उनके, थोड़े से रेट थोड़ा कम हो। बजट वैसे आम जनता को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्टूडेंट के लिए, बजट रहे तो अच्छा रहे। और महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा एवं
उनकी सुरक्षा के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भरोसा छत्तीसगढ़ पर है और छत्तीसगढ़ का भरोसा मुख्यमंत्री पर है। ऐसे में इस बजट के भरोसे अलग अलग वर्ग हैं जिन्हें लगता है कि इस बार के बजट में सीएम कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनके लिए कुछ बेहतर होगा। अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार ने। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं TV24। आज TV24 की टीम जो है मौजूद है नगर निगम गार्डन के पास और आज जो है 6 मार्च को बजट पेश होने वाला है। राज्य सरकार जो है बजट पेश करने वाली है, तो उस पर क्या कुछ उम्मीदें हैं ये हम जानते हैं लोगों से कि क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी। जी सर बताइए, क्या उम्मीद है कि 6 मार्च को जो है बजट पेश होने वाला है, उस पर क्या आपकी उम्मीदें हैं कि किस तरह का बजट होना चाहिए? उम्मीदें तो हम लोगों की यही है मेरे भाई कि आम जनता जो जिस महंगाई से परेशान है उससे कुछ राहत मिले। हम तो यही चीज बोलेंगे, महंगाई ऐसा हो गया कि सिलेंडर का है, घर का यानी पूरा बजट बिगड़ा हुआ है, उससे सारा सिस्टम ही गड़बड़ है कुल मिला के, तो उस पर ध्यान दिया जाए सरकार को। यही हम सरकार से आशा कर सकते हैं भाई, और कुछ जी सर आप क्या कुछ करेंगे? हाँ, बघेल सरकार जी करेंगे, बहुत अच्छे ही करेंगे, गरीबों का, बिजनेसमैन का, सभी का अच्छा ही कर रहा है। और जो भी करेंगे उस सब पर नीचे स्तर का जमीनी स्तर का रूपरेखा बना रहा है, और जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अभी जो बजट आया या जो आएगा अभी और उसके अंदर ये मन लुभावन योजना है, ये लोगों को सिर्फ एक लुभा रहे हैं। अच्छा है, जनता के हिसाब से ठीक ही है, जो समझे जिसके हिसाब से जो जैसा समझता है उसके हिसाब से ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से ये जो मन लुभावन योजना है जो उसको पेश किया जा रहा है, बेरोजगारी के ऊपर ध्यान दे सबसे बड़ी चीज, शिक्षा के ऊपर ध्यान दे, इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे तो सही रहेगा। जोरदार करना चाहिए भूपेश का कला काबर, जब से आया तब से छत्तीसगढ़ आवाज चला थे, हम छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, हम तो उम्मीद करा था, भरपूर कोशिश करा था कि छत्तीसगढ़ के किसान मन ला, जनता मन ला, युवा मन ला, जन साहब से 4 साल में जक्का देवा थे, तो उम्मीद करा था कि 6 तारीख के बचत में मौर्य साहब से दुगुना से चौगुना करा। आने वाले प्रदेश में 6 मार्च को बजट छत्तीसगढ़ सरकार का आखिरी बजट है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो दैनिक वेतन भोगी है उनको रेगुलर किया जाए, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनकी मांगे पूरी की जाए, जो मितानी बहनें हैं जो घर घर जाके मेहनत करती है, स्वास्थ्य शिक्षक चिकित्सा देखती है उनको रेगुलर किया जाए, और युवा पीढ़ी जो बेरोजगार घूम रही है उनका भत्ता कम से कम 4 से 5 हजार बढ़ाया जाए, और यहाँ स्कूल कॉलेज जो पढ़ रहे हैं बच्चे 8वीं 10वीं 12वीं शिक्षा लड़कों की हो या लड़कियों की हो फ्री किए जाए। नया जन कल्याणकारी योजना आएगी ऐसी उम्मीद हम लोग रख रहे हैं, और सरकार का बजट तो हम लोग को उम्मीद बहुत अच्छा है कि अच्छा बजट देंगे मुख्यमंत्री महोदय, ऐसा यानी लग रहा है हम लोगों को, ये उम्मीद रख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि बहुत शानदार इस बार छत्तीसगढ़ का बजट आएगा और अच्छे अच्छे नए नए विकास कार्य डेवलपमेंट अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ की जनता उम्मीद मान के चल रही है कि मुख्यमंत्री जी अच्छे बजट इस बार देंगे, भूपेश सरकार हमारे इस बार अच्छे बजट पेश करे, क्योंकि आने वाले साल में इलेक्शन आने वाली है, तो देखते हुए हमें उम्मीद है कि अच्छा बजट पेश करेगी इस बार, क्योंकि अगर इस बार अच्छा बजट पेश करे तो आने वाले साल में भूपेश सरकार दोबारा सरकार बना पाएगी। हम चाहते हैं महंगाई से बढ़ी हुई है, महंगाई को लेकर कुछ कम करे, और हालांकि पेट्रोल डीजल कम रेट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी कुछ जहां तक अपना जीएसटी कम कर। तो यह था बजट पर भरोसे को लेकर विभिन्न वर्गों से बातचीत, जिसके माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की कि विभिन्न वर्ग के लोग क्या चाहते हैं बजट से। उम्मीदें कई हैं और सभी को 6 मार्च का इंतजार है, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में। तो फिलहाल देखना होगा कि भूपेश के पिटारे से क्या कुछ निकलता है, मुख्यमंत्री क्या कुछ सौगात प्रदेशवासियों को देते हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।